नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेडिया एक अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान शिक्षा जगत समाचार की महत्वपूर्ण 58 खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ सुबह के शिक्षा जगत समाचार में, जो कि आपको आरपीएससी आरएसएमएसएसबी आरयू एग्जाम कॉलेज परीक्षा रेलवे भर्ती परीक्षा तिथि नई भर्ती लंबित भर्ती परीक्षाओं पर नहीं है रोक, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि भर्ती होनी चाहिए, तो सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखकर अपने साथी लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। आज की पहली खबर है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 26 सहायक आचार्यों को किया दोष मुक्त। विधि संवाददाता जोधपुर से मुख्य खबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर पर विशेष, कैसे मिटे अशिक्षा का कलंक। पहल सरकारी शिक्षकों ने सेवानिवृत्ति की पूरी राशि, स्कूल भवन निर्माण पर लगाई जोधपुर। लेखा कर्मियों ने किया वेतन कटौती निर्णय का विरोध, कहा वेतन कटौती के बजाय रोका जाए राजस्व रिसाव जोधपुर। शिक्षक भर्ती मामले में प्रोफेसर शर्मा कमेटी की जांच जारी जोधपुर। शिक्षक के रूप में बने राष्ट्र के शिल्पकार। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई तो किताब कॉपी के साथ खरीदना पड़ रहा है स्मार्टफोन, नवज्योति पाली से मुख्य खबर। भय के माहौल में भी जी रहे बच्चों के लिए संजीवनी साबित होगा मिशन ज्ञान जयपुर। जेएनवीयू सिंडिकेट का 3.5 साल पुराना फैसला बदला, सरकार बदलते ही 34 में से 28 बर्खास्त शिक्षकों की घर वापसी जोधपुर। प्रथम सूची में प्रवेश पाने वाले स्टूडेंट 7 तक फीस जमा करवा सकेंगे जयपुर। वरिष्ठ शिक्षकों को सम्मान वरिष्ठता और नौशनल परिलाभ अदा करें हाईकोर्ट जयपुर। शिक्षा विभाग की पहल, बच्चों के कंधों से घटेगा बोझ, अब पढ़ेंगे एक किताब से सब विषय गुड़ा चंद्र जी मुख्य खबर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा और भूगोल व्याख्याता परिणाम की निष्पक्ष जांच करवाएं रामलाल शर्मा जयपुर से मुख्य खबर। रीट 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पर फैसला कल जयपुर से मुख्य खबर। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्ताव आमंत्रित जालौर। राष्ट्रपति ने 18 महिलाओं सहित 47 शिक्षकों को दिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। डिजिटल कौशल को अपडेट करें शिक्षक राष्ट्रपति। मोदी से लेकर कई नेताओं ने एक राधाकृष्ण को दी श्रद्धांजलि। राजस्थान विश्वविद्यालय ने आरयू कोरोना पॉजिटिव छात्र, नहीं दे सकेंगे एग्जाम, बाद में होगी परीक्षा जयपुर से मुख्य खबर। आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्थानों पर सवाल खड़ा होना चिंताजनक रामलाल शर्मा। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवर्तक था रामलाल शर्मा ने निष्पक्ष जांच की मांग की चौमू से मुख्य खबर। विभिन्न पदों पर आवेदन का मौका, यूपीएससी में लगातार नई नई भर्तियां आ रही है और आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। 36 पदों पर आवेदन, अंतिम तिथि 10 सितंबर। हाथ से न जाने दे दिल्ली पुलिस, बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी और एसएसबी में नौकरी का मौका। दिल्ली पुलिस और सीपीएफ भर्ती जो आवेदन है उसकी आखिरी तिथि 7 सितंबर है, जल्दी करें आवेदन। डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपने कौशल को बनाए उन्नत कोविंद नई दिल्ली से मुख्य खबर। असैनिक न्यायाधीश की रिक्तियां करें आवेदन बिहार लोक सेवा आयोग में आप आवेदन कर सकते हो। सहायक लेखाकार के पद खाली, 33 पदों पर जल्दी करें आवेदन। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार इंदिरा गांधी ईएसआई हॉस्पिटल जिल मिली दिल्ली से मुख्य खबर। रेलवे के 1.40 लाख पदों पर 15 दिसंबर से परीक्षा। रोजगार की गाड़ी 2.42 करोड़ मिले थे आवेदन, इन पदों पर होनी है भर्ती, लगातार तैयारी में जुट जाइए मित्रों। अब नियमित भर्तियों पर रोक नहीं, केंद्र की सफाई, सरकारी एजेंसी भर्ती जारी रखेगी नई दिल्ली। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 1.40 लाख पदों के लिए 15 दिसंबर से होगा सीबीटी फर्स्ट। बेमिसाल प्रयोगों संघ देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई नई दिल्ली। कैसे लौटे शिक्षक की गरिमा, कॉलेज शिक्षकों ने भी वेतन कटौती पर विरोध जताया बीकानेर। बीकानेर रेल मंडल करेगा परीक्षा स्पेशल। डाउनट पर होगा अब आपके सभी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, उसे सबमिट करो और
तीन सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12th नीट आईआईटी जेई मेंस एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउनट ऐप। एक्सप्रेस रेल सेवाओं का संचालन बीकानेर से मुख्य खबर। आसान वित्त जिला कार्यालय में जिले को मिले देश में 19वीं रैंक के। मॉडल स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया जारी टोडा भीम से मुख्य खबर। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने की मांग कोटपुतले। शिक्षकों ने विधायक विजयपाल मिर्दा मिलकर समस्या समाधान कराने की मांग की। डेगाना से मुख्य खबर। विद्यालयों की क्रमोन्नति एवं मान्यता के लिए आवेदन आमंत्रित जैसलमेर। सरकारी नौकरियों पर केंद्र सरकार ने सफाई दी। नौकरियों के मामले में केंद्र की ओर से जारी सर्कुलर के कारण राजनीतिक दलों ने भारी विरोध किया। नई दिल्ली। पाठ्यक्रमों में सुधार और परीक्षा प्रणाली की समीक्षा जरूरी। मंत्रालय कर्मचारियों की वेतन कटौती को वापस लेने की मांग श्रीगंगानगर से मुख्य खबर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई कार्मिक प्रशासनिक सुधार और विधि विभाग के अधिकारियों की बैठक। सरकारी नौकरियों में राज्य के युवाओं को वरीयता देने के लिए मंथन जारी। लगातार मंथन हो रहा है दोस्तों। सरकार से हरी झंडी मिलते ही जारी होगा टाइम टेबल। एमडीएस वीवी में परीक्षा समिति की बैठक। यूजीसी नेट की परीक्षा प्रभावित करेगी टाइम टेबल। अगली खबर है दोस्तों, कर्मचारियों की वेतन कटौती का विरोध लगातार जारी है। शिक्षक नीति की भी बनाए। जेई एडवांस इस साल भारत में ही आयोजित होगी जयपुर से मुख्य खबर। जेई मेन में दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिलाकर तैयार किए गए सवाल। जेई मेन के प्रश्नों में नयापन कोटा। रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरा जाए, बंजर लाल जाटव ने दिया निर्देश। जयपुर से मुख्य खबर। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री। अगली खबर है, शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता। कोविंद ने कहा, राष्ट्रपति ने 47 शिक्षकों को दिया पुरस्कार। पैरामेडिकल के 5000 छात्रों का भविष्य गर्त में, पैरामेडिकल योद्धा जयपुर। शिक्षा की दशा और दिशा पर चिंतन मंथन की जरूरत, बाल मुकुंद ओझा मुख्य खबर। अगली खबर है, भारत में प्राइवेट स्कूल स्थिति पर सेक्टर रिपोर्ट में खुलासा। निजी स्कूलों के बच्चों का प्रदर्शन बेहतर जयपुर। शिक्षक दिवस पर सभी कार्यक्रम स्थगित, नहीं हुआ शिक्षकों का सम्मान। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर बधाई दे मनाया शिक्षक दिवस। जोधपुर। विधायक ने महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल का किया शुभारंभ। पदमपुर से मुख्य खबर, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पर फैसला 7 सितंबर तक। रोजगार का संकट। हे सरकार, मुबारक हो आपको काला शिक्षा दिवस। खरी खरी रघुराज उपाध्याय। शिक्षक दिवस पर शिक्षक गुरुओं ने दिया सरकार को। सरकारी भर्ती पर कोई रोक नहीं, पहले की तरह ही होगी भर्तियां, वित्त मंत्रालय ने कहा। शिक्षा को समर्पित योजना से 68,000 होनार लाभान्वित। शिक्षक में वर्तमान शिक्षा व समय के अनुसार बदलाव की जरूरत। भैरव मालवीय से मुख्य खबर। तो दोस्तों, आज के शिक्षा जगत समाचार की खबरें यहाँ पर समाप्त होती है। और आप लोगों को ये खबरें पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी यह शिक्षा जगत समाचार की खबरें प्राप्त हो सके। और आने वाली और अन्य महत्वपूर्ण खबरें वो आपको लगातार अपडेट होती रहेगी। और PTET की परीक्षा आपकी 3rd सप्ताह में हो सकता है सितंबर में। ये महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, जो कि आपको लगातार हमारे द्वारा मिलती रहेगी जानकारियाँ। धन्यवाद दोस्तों, और लगातार प्रयास करते रहिएगा। प्रयास करने वालों का कभी हार नहीं होती, और यदि आप प्रयास ही नहीं करोगे तो आप कैसे सफल होंगे, ये आप स्वयं को पता है। धन्यवाद।